लोग के सामने सुपर टेस्टी और परफेक्ट जो है कद्दू का बर्फी वो बन करके रेडी है। तो देखिए कितनी बेहतरीन बना है। तो इस तरह का बर्फी आप कभी नहीं पहले ट्राई किए होंगे, तो एक बार इस नवरात्रि आप बना करके जरूर अपने घर में ट्राई कीजिए। इस बर्फी के खाने से आपको भूख और प्यास दोनों नहीं लगेगी, क्योंकि ये कद्दू से बना हुआ है और बहुत हेल्दी है। और कद्दू में ज़्यादा मात्रा में हमारा जो है वो वाटर होता है, तो इस वजह से आपको जो है गला नहीं सूखेगा, बहुत तारोताज़ा रखेगा। तो इस बर्फी को बनाने के लिए नहीं तो आपको मावा की ज़रूरत है, नहीं तो कंडेंस मिल्क का ज़रूरत है। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से झटपट से बन करके रेडी हो जाएगा। और इसमें किसी भी ऐसे इंग्रेडिएंट्स के यूज नहीं किए हैं जो हमारे उपवास में नहीं खाए जाते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाते हैं, आप लोग के साथ झटपट से शेयर कर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन माय चैनल। सो आज फिर मैं आप लोग के साथ आई हूँ न्यू रेसिपी के साथ। तो चलिए इसको बनाते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और मेरी ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए लिए हमें छोटा सा एकदम कद्दू। तो ये कद्दू का वजन 400 ग्राम है। इतने साइज से अगर कद्दू से आप बर्फी बनाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन बनेंगे, क्योंकि इसमें अंदर पल्प नहीं है। तो इसका सबसे पहले हम जो स्किन है वो अच्छे से उतार लेते हैं इस तरह। कद्दू को अच्छे से हम छील लिए हैं, इसे वॉश कर लिए हैं। अब दोनों साइड का जो ये पार्ट है वो हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है बहुत हार्ड होता है। तो हमारा बर्फी में जो है वो अच्छे से नहीं मेल्ट होगा। अब क्या करेंगे, एक लेंगे ग्रेटर और ग्रेटर से हम सारे कद्दू को जो ग्रेट कर लेंगे। इसमें पल्प निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना नाजुक है और छोटा साइज का कद्दू लीजिएगा तो इसमें जो है पल्प नहीं होता है। तो देखिए आपका बहुत ही इजी तरीके से आपका जो कद्दू है वो ग्रेट हो जाएगा इस तरह से। और कद्दू का बर्फी या खीर बना करके खाइएगा तो आपको फास्टिंग में उतना प्यास भी नहीं लगेगी, क्योंकि इसको ज्यादा मात्रा में पानी होता है तो इसलिए, और बहुत ही हेल्दी होता है। तो देखिए हमको इस तरह से सारे कद्दू को ग्रेट कर लेना है पहले। तो चलिए पहले कद्दू ग्रेट कर लेते हैं। तो कद्दू को देखिए अच्छे से हम ग्रेट कर लिए हैं, और इतने हमारा जो ग्रेट किया हुआ कद्दू है। अब हम चलते हैं इसे बनाने के लिए। तो बनाने के लिए इसमें हम मावे की यूज करेंगे और किसी भी चीजें को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि नवरात्रि व्रत वगैरह में हमको सूजी वगैरह हम खा नहीं सकते हैं। तो जो फलहार फास्टिंग करते हैं उसके लिए यह स्पेशल, ये हम आज लौकी का बर्फी जो है वो बना रहे हैं। तो चलिए आप सबसे पहले इसे बनाने से पहले हम इंस्टेंट मावा रेडी कर लेते हैं। ये मावे के बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। तो मावा बनाने के लिए हम लिए हैं ये 1 कप मिल्क पाउडर, और 1 कप से थोड़ी सी कम हम लिए हैं ये मिल्क, रॉ मिल्क है। अब इसमें हम डालेंगे सबसे पहले 1/2 टेबल स्पून ऑफ घी। तो घी डालने से आपका जो घी डालने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे रॉ मिल्क। तो इससे जो है आपका इतना परफेक्ट मावा बनेगा और आपका टाइम भी सेव होगा, और खाने में जो टेस्ट है इसका थोड़ी सी भी डिफरेंट नहीं लगेगा। कि इंस्टेंट मावा जो बना है और जो मिल्क जैसा हम छनका के बनाते हैं उससे भी बेहतर मावा आपका बन करके रेडी हो गया। जैसे ही मिल्क डालेंगे साथ में हम डाल देंगे मिल्क पाउडर, क्योंकि अगर आप गर्म मिल्क में डालिएगा मिल्क पाउडर तो ये लम्स बनने लगेंगे। तो ठंडे मिल्क में ही आपको डाल देना है, डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करके इसे आपको 2-3 मिनट पका लेना है। 2-3 मिनट में ही ये मावा जो है वो आपका बन करके रेडी हो जाएगा। चाहे तो आप इसमें अभी शुगर पाउडर भी थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर इस प्रोसेस से आप पेड़े बनाइएगा तो उसमें शुगर पाउडर आपको ऐड करना होगा। लेकिन चूंकि हमको इसमें को बर्फी में यूज करना है तो शुगर पाउडर का भी इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, और इसे हम पका लेते हैं अच्छे से 2.5 से 3 मिनट में। क्या ही एकदम परफेक्ट हमारा मावा जो है वो बन करके रेडी है। देखिए कितना इजी है मावा बनाना। आपको घंटे वेट करके गैस पे और मिल्क को रिड्यूस करना, मावा बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, समय भी हमारे पास उतना नहीं है। तो इस वजह से झटपट में ये मावा हमारा इंस्टेंट मावा रेडी हो गया। आप चाहें तो इससे पेड़े भी बना सकते हैं या और स्वीट्स भी बना सकते हैं। देखिए इजी मावा हमारा रेडी हो गया। आई देखिए घी डालने की वजह से इस कितना मोस्ट है। इसे आप स्टोर करके भी रखिएगा तो ड्राई नहीं होगा,
तो देखिए ये हमारा मावा जो है परफेक्ट कंसिस्टेंसी का एकदम बढ़िया मावा रेडी हो गया है। तो ये झटपट से रेडी हो गया। अब चलिए इसे हम फ्लेम को करते हैं ऑफ और मावा मेरा हुआ रेडी। अब चलते हैं हम बर्फी बनाने के प्रोसेस में। तो देखिए वाओ कितना बेहतरीन हमारा ये 2 से 3 मिनट में मावा बन करके रेडी है। इसकी थिकनेस और टेक्सचर देखिए कितना लाजवाब है। ये मावा जो है ऑलमोस्ट हमारा 100 ग्राम है, तो हम 400 का कद्दू के बर्फी बनाने हैं तो उसमें 100 ग्राम ये मावा के हम यूज करेंगे। और 100 ग्राम मावा बनाने के लिए हम 1 कप लिए हैं मेजरिंग कप से मिल्क, 1 कप लिए हैं हम मिल्क पाउडर उसी से हमारा ये, और 1 टेबल स्पून या 1/2 टेबल स्पून हम लिए हैं घी। इतने से हमारा 100 ग्राम जो मावा है वो बन करके रेडी हो गया है। 400 ग्राम का कद्दू के लिए 100 ग्राम मावा जो है मोर देन इनफ है। तो आप चलते हैं फटाफट बर्फी बनाने के प्रोसेस में। अब झटपट से चलते हैं बर्फी बनाने के प्रोसेस में। तो उसके लिए डालेंगे सबसे पहले हम 2 टेबल स्पून ऑफ घी। तो घी का क्वांटिटी आप कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन बर्फी में ज्यादा घी का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा तो बर्फी जो है आपका जल्दी सेट होगा। तो ये हम घी को मेल्ट कर लिए हैं। जैसे ही मेरा घी मेल्ट होगा उसमें हम डाल देंगे ये ग्रेट किया हुआ कद्दू। तो हम सारे कद्दू को डाल देते हैं और डाल करके इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करते हुए इसे अच्छे से हम 2 से 2.5 मिनट भून लेंगे। कद्दू को अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। ऐसे फ्लेम जो है वो हाई रहेगा क्योंकि हाई फ्लेम पर आपको कद्दू को भूनना होगा क्योंकि इसमें ज्यादा मॉइस्चर होता है। तो हाई फ्लेम पर यह है से सॉफ्ट भी हो जाएगा और इसका जो मॉइस्चर है वो भी खत्म हो जाएगा। तो देखिए अब इसे हम लीड लगाएंगे। लीड लगा करके इसे हम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लेते हैं पहले, जब तक कि इसका जो कच्चापन है वो निकल। देखिए बीच बीच में हम चलाते रहेंगे जिससे ये तले में ना लगे और इसकी जो खुशबू अच्छी आ रही है क्योंकि घी में जो पम्पकिन है अपना मॉइस्चर रिलीज कर रहा है तो इस वजह से इसका खुशबू अच्छा आ रहा है। अब इस स्टेज पर आपको 1 भी मिनट के लिए इसे छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये चिपकने लगेगा। अब ये हमारा कद्दू ऑलमोस्ट भून चुका है, इसका मॉइस्चर सारा खत्म हो गया है। अब इस स्टेज पर हम डालेंगे 1 कप मिल्क, साथ में ही डालेंगे इसमें पाउडर शुगर। तो आप चाहें तो शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पाउडर शुगर अगर इसमें डालिएगा तो बड़े चम्मच से हम इसमें 4 बड़े चम्मच पाउडर शुगर का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हम मावे में जो है वो शुगर का इस्तेमाल नहीं किए हैं। तो इसके लिए हम 4 बड़े चम्मच आपका शुगर डाल रहे हैं। आप चाहें तो इसको शुगर फ्री से भी बना सकते हैं, अगर आप शुगर पेशेंट है तो शुगर फ्री का इस्तेमाल इसमें कीजिए। अब इसे हम मिल्क के साथ में 1 से 2 मिनट कवर करके पका लेंगे जिसके वजह से ये थोड़ा सा और जो है सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये हमको चीनी जब डाले हैं तो चीनी डालने की वजह से देखिए ये जो है बहुत जल्दी सॉफ्ट हो गया है क्योंकि शुगर जो है किसी भी चीज को जल्दी मेल्ट करता है। तो ये हमारा देखिए ये ऑलमोस्ट ये हमारा अच्छे से भून चुका है। इस स्टेज पर 1 चम्मच और भर करके हम घी डालेंगे जिससे बर्फी में एक मोइस्ट एकदम से और सॉफ्ट हमारा ये बनेगा। इसे भी डाल करके मिक्स कर ले रहे हैं इस तरह से। इसका कलर और टेक्सचर देखिए कितना बेहतरीन है। आप किसी भी वर्त में फास्टिंग में आप इसे खा सकते हैं क्योंकि इसे हम फलहार तरह से बनाए हैं। अब इसमें हम डालेंगे जो ये मावा, तो जो मावा हम रखे थे बना करके उसे हम इसमें इसके स्टेज पर डाल देंगे क्योंकि मावा भी हमारा 1 से 1.5 मिनट इसके साथ में भून जाएगा। इसके बाद हम इसे चलेंगे शेक करने का प्रोसेस में। तो मावा डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और 2 से 3 मिनट इसे भून लेना है। अब इसी स्टेज पर हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी इलायची का पाउडर। इसमें ड्राई फ्रूट्स चाहिएगा तो अभी आप डाल सकते हैं, लेकिन चूंकि हम बर्फी बना रहे हैं तो इसमें ड्राई फ्रूट्स का हम इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे। इसे अच्छे से हम मिक्स करके भूनते हैं। इसे आप कंटिन्यू आपको भूनते रहना है, 1 मिनट भी छोड़ना नहीं। 2-3 मिनट भूनने के बाद देखिए हमारा मिश्रण जो है वो पैन छोड़ने लगा है, इसका घी जो है वो रिलीज होने लगा है। अभी इस स्टेज पर इसे हम फ्लेम को करेंगे ऑफ
और ऑफ करके अब चलिए झटपट से इसे हम सेट करने के प्रोसेस में चलते हैं। तो ये परफेक्ट आपका जो है पुलाव की बर्फी बन करके रेडी है स्पेशल नवरात्रि के लिए। बर्फी सेट करने के लिए इस तरह का गहरा आपको ट्रे या प्लेट किसी भी चीज को लेना है और उसमें जो है घी अच्छे से ग्रीस कर देना है चारों तरफ से। इससे जो है बर्फी आपका इजिली इसमें से निकल जाएगा। अभी हमारा ट्रे जो है रेडी हो गया। इस रेडी ट्रे में झटपट से हम ये ट्रांसफर कर लेंगे कद्दू और मावे का जो मिश्रण है उसको। तो देखिए कितना ही लाजवाब, इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि आप बिना बनाए इससे रह नहीं पाइएगा। एक बार खा लीजिएगा तो इसका जो टेस्ट है वो आपको लत लगा देगी, इतना बेहतरीन है। हर फास्टिंग में आपको इसका ही टेस्ट अच्छा लगेगा। अब इसे हम अच्छे से कर लेते हैं स्प्रेड, इस तरह से फैला लेते हैं। तो ये बर्फी को मिश्रण को अच्छे से हम एकदम फैला दिए हैं। और देखिए मावे का जो कद्दू के लच्छे है उसका जो टेक्सचर है कितने दानेदार आए हैं वो आपको देखिए क्लियर दिख रहा है। अब इसे हम सेट करने के लिए रख देते हैं 1 से 1.5 घंटे के लिए। अब इसमें हम छोटे छोटे आमंड्स को इस तरह से कतरन कर देंगे, कतरन करके इस पे लगा देंगे जिससे बर्फी में थोड़ी सी अच्छी लुक और एक क्रंच आ जाएगा। तो इस तरह से हम सारे बर्फी में लगा देते हैं। 1 घंटा सेट करने के बाद देखिए बर्फी का जो है मिश्रण अच्छे से सेट हो गया है। अब इसमें हम कट लगा लेते हैं। तो आप जितने साइज का बर्फी बनाने चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है आप कट लगा लीजिए इस तरह से। तो ये आपका जो बर्फी है बहुत ही परफेक्ट और नवरात्रि में एकदम हेल्दी की है, क्योंकि ये ग्रीन वेजिटेबल से हमारा कद्दू जो है वो बना हुआ है, कद्दू का बर्फी। तो इस तरह से अब इसमें हम अपने मन चाहे पीसेस बना लेते हैं। तो कितनी बेहतरीन आपका ये बर्फी लाजवाब बन करके और रेडी है। इसमें वैसा कोई किसी भी चीज़ का इस्तेमाल हम नहीं किए हैं जो कि हम फास्टिंग में नहीं खाते हैं। तो हमारा नवरात्रि स्पेशल जो बर्फी वो बन करके रेडी है। तो ये नरम और मुलायम एकदम सॉफ्ट और हेल्दी हमारा कद्दू का बर्फी जो है वो बन करके रेडी है। तो देखिए कितना बेहतर ये बर्फी हमारा बना है। तो एक बार इस बर्फी को खाइएगा और बहुत ही हेल्दी है। तो देखिए इसकी टेक्सचर कितना बेहतरीन है। इसे 1 वीक के लिए भी स्टोर करके रखिएगा तो ये आपका बर्फी जो है वो खराब नहीं होगा। देखिए झटपट से मुंह में घुल जाने वाला सुपर सॉफ्ट और हेल्दी हमारा ये कद्दू का बर्फी बन करके रेडी है। तो कभी नहीं ट्राई किए होंगे तो इस नवरात्रि से जरूर ट्राई कीजिएगा। किसी भी फास्टिंग में आपका ये कद्दू का जो बर्फी है वो बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब बन करके और रेडी होगा। इसे बनाना बहुत ईजी है, मिनटों में बन करके रेडी हो जाएगा। नहीं इसमें कंडेंस मिल्क, नहीं मावा, किसी भी चीज का हम इस्तेमाल इसमें नहीं किए हैं। तो इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और खाइए और हेल्दी रहिए। और मेरी ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं आप लोग के साथ न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।